हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। नई दिन की नई शुरुआत ब्लॉग के साथ में हो गई है। सुबह लग जाती हूँ काम पे, कपड़े बहुत है और जिदान को कब से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा। ब्लॉगर भैया को भी जाना है एग्ज़ाम देने, तो लगती हूँ काम पे, बताती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जो पहले ब्लॉग बना के रखे थे मेरे, जो इतने दिन से कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे कुछ ब्लॉग बने हुए थे और मोबाइल ख़राब होने की वजह से वो सब टाटा बाय बाय करके चले गए। डिसीजन मारना पड़ा ना, पूरे ब्लॉग मेरे चले गए इधर से उधर। कहीं इनके मोबाइल में ले रही हूँ, कभी इसके अबू के मोबाइल में ले रही हूँ, कभी मेरे खुद के ले रही हूँ, तो उसमें ही हो गया सत्यानाश। तो ब्लॉगर भैया का भी मोबाइल का डिस्प्ले उड़ गया था, उसे भी बनाने दी हूँ और मेरे मोबाइल तो गया। अब तो मैं मोइन के मोबाइल से ब्लॉग बना रही, पता है। तो लगती हूँ काम पे, क्या बोलेंगे, फिर से आगे दिमाग खाने तो करके पूरी ज़िंदगी तो मेरी चली जाएगी। तो फिर लगती हूँ काम पे, चलो क्या करें बताती हूँ। बारिश तो रुक नहीं रही है, चलो अपने काम से काम रखते हैं। सवेरे यहाँ चाय बन चुकी है और देखो सब उठ चुके हैं। इसका भी पेपर है, ये भी जा रहा है, ये अपने मस्का पाव इंजॉय कर रहा है। जिदान का नाश्ता हो चुका है, मोइन भी तैयार है निकलने के लिए, और इसके अब्बू सोए हैं क्योंकि हम लोग लेट सोए घर में, नमाज़ वगैरह पढ़ के सब। मोइन भी नमाज़ पढ़ के उठा था, तब से ही जागा है मोइन भी। तो मैं थोड़े बर्तन वगैरह निपटा लूँ और ये चावल जो दम पे रख दूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे बाहर जाना है आज, तो ये सब पका के हटूँ। गाइस देखो, मेहंदी लगाई थी इसने, पूरा हाथ खराब कर दी मेहंदी से, और इतना लाली वीली लगा के कहाँ गई थी बातों, कहाँ गई थी? ट्यूशन में बिना लाली के अलाव नहीं है, अलाव दे सब। तो फिर इतना मेकअप शेकअप करके कौन जाने बोला था बेटा? अरे क्या कर रही है? अरे ना, कितना मेकअप और मेहंदी, देख उसकी ट्यूशन गई थी। डिग्री भिखारी, मैं कपड़े रख रही थी कबर्ड में, अल्लो ब्रिज के नीचे वाली बोल रहा भाई जी। वो मेहंदी भी मालूम जो कचरे में फेंक देता वाली लगाई, अल्लो फातिमा, तो गरीब लोग को देती ना वाली है। अल्लाह फातिमा बोलना कितनी इम्पोर्टेंट है, मेरी लाली मेरे अब्बू ने लाए थे। मामा इस देखो मुंह धो रहा है अपना ये लड़का, क्या चाहने वाला तेरे चाहने वाले मर गए सब, जा अंदर मोरी में। गाइस अभी मेरी गाड़ी बन रही है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी दो दिन से, क्या पता क्या प्रॉब्लम है, चेक कर रहे अभी। देखो मालिक आ रहे, मालिक आ रहे, मालिक 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 मालिक, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंधेरी मार्केट। यहाँ पे कुछ सामान लेना था और मेरा मोबाइल, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लॉग नहीं आ रहे थे, ख़राब हो चुका है, तो मोबाइल बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये देखिए, ये मेरे दोस्त हैं शुगर ग्लाइडर करके, ये अभी निकाल रहे हैं, और ये अरे वो सारा चीनी लोग खाते हैं, अरे कुछ भी कुछ भी, ये भी ज्ञानी आ चुके हैं बता रहे, चीनी लोग जो खाते हैं वो है, और ये जो काले, और ये देखिए वो तब तक सो चुका है, ये देखिए ये बाहर आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि बाहर आके ना अब ये उड़ने वाले, और कुछ नहीं, अब तो इसकी ट्रेनिंग चालू है, सोया हुआ है, निकाल दो, ओ निकल गया, ये पॉकेट में ही सोता पिंजरे के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया का बोला ना, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए इसको, कुछ हो बोले वो बोले आंग पे आएगा, वो चले गया भाग गया। देखो किस तरह ट्रेन कर रहे हैं, अब ये पॉकेट में चला जाएगा और इसमें ही सोता है वो, ये पॉकेट के अंदर ही सोता है। तो गाइस आप देख सकते हो, इसका एक शॉर्ट वीडियो में बना के डालूंगी, किस तरह दिख रहा है ना ये। गाइस देखो क्या मस्त जीप लग रही है, एक नंबर नया मॉडल है, क्या प्यारी लग रही है। और हम लोग ट्रैफिक से लड़ते हुए आ गए अपने सबवे पे, जो एकदम लबालब खाली पड़ा है, वरना यहाँ पे तो तैर के जाना पड़ता है। तो चले अपने घर पे, क्योंकि मेरा जो
तो गाइस देखिए बजरंगी भाईजान ये जा रही है अपने भाई को लेके। ये बजरंगी इधर देख, ये देखो ये बजरंगी भाईजान हीरिये की अपने भाई को लेके जा रही है मुन्नी। मुन्नी अभी पहुंचाने जा रही है मुन्ना को गांव, है ना मुन्नी? हाँ पहुंचा के आएगी ना। हाँ देखिए फातिमा की मेहंदी सूख गई है। फाता दिखा हाथ की मेहंदी। सिद्धांत छोड़ बच्ची को, मेरी बच्ची दिखाती अच्छी बच्ची है। मेहंदी पूरी गुड़ गोबर कर दी, गुड़ गोबर। देखो इसकी मेहंदी का हार पूरा गुड़ गोबर हो गया है बेटा। अब क्या करोगे? अभी हम लोग गेम खेलने वाले गोटी वाला ना सिद्धांत। हम लोग सब जन, माँ बच्चे बाप सब सब। अरे तुम्हें सोने जाएंगे ना, हम लोग गेम खेलने वाले गोटी वाला। हम लोग चले फिर से डॉक्टर के पास, इसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बारिश भी अच्छी हल्की हल्की आ रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है। वो भीगते हुए जा रहे हैं, भीगने की वजह से इसकी परेशानी आई है। हम लोग भीगते हुए ही जा रहे हैं दोनों जन। तो चलो मिलते हैं आपको। आ गए फिर से हॉस्पिटल, यहाँ पे उमायरा भी आई है बैठी अंदर और हम लोग दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये यहाँ पे आवारा जैसा घूम रहा है पागल। ये जा रहे भाई यहाँ से। गाइस देखो ये कुत्ते को किसी ने मुंह बांधा हुआ है इसका, ये काटता है सबको। और सारे एरिया कुत्ते आ रहे इससे लड़ने। आप देख सकते हैं ना, हर कोई अपने अपने एरिया का शेर होता है। ये तो कुत्ते इतना डर रहा है, देखो उसका मुंह बंद है। तो स्नो घर में नहीं हो, बाहर से म्याओं म्याओं आवाज आ रही है। देव खोलने जा रहा है। अरे बाहर ही रह गया लगता है ये लड़का। कड़ी कर दिए थे लोग ने, ये बाहर ही रह गया था। हाँ ऐसे ही बैठा, बाहर जाते रहे ना म्याओं म्याओं करते रहे ना। ये देखो क्या हो रहा है बाबा। और ये क्या ड्रिंग ड्रिंग। ए बाबू कहाँ चला गया तेरे काले बिल्ले? अरे बाबू कहाँ गया तेरे? नहा धो के ना एकदम पानी हुआ है, पैर गंदा करके अच्छी पूरा नीला दिला के साफ किए थे मालूम हम लोग ने। नोज देखा वो सतामत, उसको ऐसी बंद कर, तुम भूल गए थे आज। अरे मत कर, मत करो रे बच्चे को मत सता। नहा धो के एकदम पानी हो गया ये। हो गया कपड़ा घंटा को आने वाला है।